नमस्कार, मैं हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के विषय में बताया था, तो आज हम उस वीडियो से आगे अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। अब अफ्रीका महाद्वीप के जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर यूपीपीसीएस के माध्यम से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसकी चर्चा भी मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। और इसके बाद अगली वीडियो के माध्यम से जो भी इसके प्रमुख देश हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसका मैं एक मैप बनाऊंगा और मैप बना के उस देश में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर डिस्कस होगी। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदु, ये कुछ मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले वाली वीडियो में भी मैंने जो है उसका लिंक डाला हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, ये है, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, ये अखबार टाइप बुक है जिसमें पूरा अफ्रीका महाद्वीप और उससे संबंधित जो देश हैं या फिर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये दिए हुए हैं। तो इस ये जो मेरे पास बुक है, ये इसकी मैं आपको पूरी पीडीएफ तैयार करके ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आप चैनल से जुड़ोगे तो वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। खैर, चलिए अब हम अफ्रीका महाद्वीप के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जैसे हमने भारत के विषय में पढ़ा है, तो भारत में क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। इसी प्रकार महाद्वीपों के भी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु होते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये टूनेशिया में है, टूनेशिया जो देश है इसमें है और इसका नाम है अल घिराम। तो अल घिराम सबसे उत्तरी बिंदु है अफ्रीका का। इसके बाद सबसे उत्तरी के बाद सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिण अफ्रीका में है और इसका नाम है कैप अगुलहास, दक्षिणी बिंदु। तो अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, कैप अगुलहास है। इसी प्रकार अफ्रीका का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, इसका नाम है अलमादी पॉइंट। और अलमादी पॉइंट कौन से देश में, अलमादी पॉइंट है आपका स्नेगल देश में, ठीक है। इसी प्रकार अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर मैं बात करूं तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा हैगुन पॉइंट है। अब हैगुन पॉइंट कौन से देश में, हैगुन पॉइंट है आपका सोमालिया में। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के विषय में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। कारण मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस महाद्वीप में ज्यादातर जो देश हैं वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्होंने अपने प्राकृतिक जो संसाधन है या फिर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इनका भी उपभोग अभी तक नहीं किया है। एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावना है, यानी कि मतलब क्या है, देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब पानी के माध्यम से अगर हम बिजली बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी के माध्यम से बिजली बनाने की संभावना सबसे ज्यादा व्यक्त की गई है। कारण यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में काफी नदियां हैं और ये नदियां जलप्रपात या फिर झरनों का निर्माण करती हैं, जिसके माध्यम से अगर इन पे बांध बना के बिजली उत्पादन किया जाए तो अफ्रीका की सारी समस्या ऊर्जा की समाप्त हो सकती है। लेकिन पिछड़े होने की वजह से ऐसा अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है। दूसरी की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी में तीन प्रमुख सर्कल हैं। पहला है भूमध्य रेखा, दूसरी है कर्क रेखा और तीसरी है मकर रेखा। अब ये रेखा जो है कर्क रेखा, आप सभी जानते होंगे कि ये 23.5 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है और ये नीचे भी 23.5 डिग्री पे। तो ये तीन रेखा है जो अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती हैं और ये जो जोन मैंने आपको बनाया है, ये यानी कि कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि अफ्रीका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है।
तो इस भाग की अगर मतलब अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो ये वाले जो देश हैं ये यहाँ के जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये सारा उष्णकटिबंधीय है। अब यहाँ की जलवायु की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका के अधिकांश भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय है यानी कि ट्रॉपिकल है, यानी कि क्या है इन क्षेत्रों में गर्मी पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे जो गर्म नगर है ये है अलजीजिया, विश्व का सबसे गर्म नगर है अलजीजिया। तो अलजीजिया जो नगर है इस नगर का टेम्परेचर 58 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, 58, ठीक है। हालांकि मैं आपसे बता दूं वर्ष 2011-12 में अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है डेथ वैली, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है डेथ वैली में, और ये रिकॉर्ड किया गया था 60 डिग्री, जो अभी तक किसी भी स्थान पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है। लेकिन वो वहां पर एक बार हुआ था और यहाँ पे लगभग एवरेज टेम्परेचर ही 58 डिग्री रहता है, तो 58 से 59, किसी किताब में 58 है और किसी किसी किताब में 59 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुकों का एक रेपो है, अलग अलग मतलब बुक जो है कॉपीराइट से बचने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो आप जो है अगर यहाँ पे 58 और 59 की मैं सबसे ज्यादा की मैं बात करूँ कि एग्जाम के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर दोनों में दिए हुए हैं तो क्या रहेगा, तो फिर आप 59 पे निशान लगाइए, यहाँ पे जो है इसे 59 कर दीजिए। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको 58 भी दिया हुआ है और डिपेंड करता है वो किस प्रकार के ऑप्शन एग्जाम आए हैं उस पे। तो अगर 58, 56 इस तरीके से दिया हुआ तो फिर 58 होगा, और अगर 58, 59 इस तरीके से दिया तो फिर भाई साहब आपका 59 ही होगा, ये आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। खैर, तो ये जो स्थान है ये है आपका लीबिया में, ये स्थान कहाँ पे है, ये स्थान लीबिया में है। अब यहाँ की जो जलवायु है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु के विषय में चर्चा हो रही थी, मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और आपका टूनिशिया, मोरक्को एक, अल्जीरिया दूसरा और ये टूनिशिया तीन, ये ऐसे देश हैं जिनकी जलवायु भूमध्य सागरीय है। अब आप ये देखेंगे कि ऊपर असल में क्या है, ऊपर सागर का नाम भी भूमध्य सागर है, ऊपर जो सागर है हमारा इसका नाम भी क्या है भूमध्य सागर है, और जलवायु कैसी है भूमध्य सागरीय जलवायु है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के विषय में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है और खट्टे और रसदार फल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूमध्य सागरीय जलवायु जिन भी देशों में होगी चाहे वो कोई सा भी देश है उनकी दो विशेषता आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, पहला वहां पर सर्दियों में बारिश होती है और दूसरी वहां पर खट्टे फल पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब रसदार फल, स्पेशली रसदार फल आप याद रखेंगे, तो जैतून इसके अलावा जो है अंगूर वगैरह जो है इन देशों में काफी ज्यादा होते हैं। अब भूमध्य सागरीय जलवायु अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है इसमें भी कैसी जलवायु है, यहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु ही पाई जाती है। अब अगर अब दूसरे क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूं तो देखिए अफ्रीका का, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, अफ्रीका का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, और फिर दोबारा से सुनिए, इस महाद्वीप में केवल 10% भाग पर ही खेती की जाती है, और खेती में अगर मुख्य फसल की बात करेंगे तो मुख्य फसल जो है कंदमूल है। कंदमूल ऐसी फसलों को बोलते हैं जो पृथ्वी के अंदर से, जैसे आलू है, रतालू है, इस तरीके की जो फसल होती है इन्हें जनरली कंदमूल कहा जाता है। तो ये जो जड़ वाली फसल जो पृथ्वी के अंदर से मिलती है इन्हें कंदमूल कहा जाता है, तो ऐसी फसल जो है अफ्रीका में ज्यादा है। लेकिन खाद्यान्न अगर मैं फसलों की बात करूं तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती यहाँ पे ठीक ठाक होती है, हालांकि सबसे ज्यादा मक्का उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस महाद्वीप में भी मक्का की जो खेती है वो ठीक ठाक है। इसके अलावा खनिज संसाधनों की अगर मैं बात करूं तो ये देश मतलब सॉरी ये महाद्वीप प्लेटिनम, इसके अलावा तांबा, ठीक है, हीरा, सोना, इनके उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। हालांकि प्लेटिनम तो सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और पूरे महाद्वीप की भी मैं बात करूं मतलब पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्लेटिनम जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है।
ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में सोने और हीरे की बहुत बड़ी बड़ी खान भी है। विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है जिसका नाम है कुलीनान हीरा, विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है इसका नाम है कुलीनान, कुलीनान हीरा जो है इसका जो अगर मैं कैरेट की बात करूंगा तो 3105 कैरेट है। देखिए हीरे का जो वजन है, मतलब हीरा जो होता है कैरेट में नापा जाता है, जैसे सोना 24 कैरेट में नापता है ऐसे ही हीरा भी कैरेट में नापता है, लेकिन हीरे के कैरेट का मान जो होता है 205 मिलीग्राम, एक कैरेट में 205 मिलीग्राम होते हैं, और कैरेट में यहाँ पे वजन से तात्पर्य है। तो हीरा जो है ये कुलीनान हीरा ये सबसे बड़ा हीरा अभी तक जो प्राप्त हुआ है उनमें से है, और इसका जो वजन है ये 3105 कैरेट है। ठीक है, ये हीरा वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था, और जिसने प्राप्त किया था उसी के नाम पे इसका नाम कुलीनान हीरा रख दिया गया था। तो हीरे की बहुत बड़ी बड़ी खान जो है कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। हालांकि हीरा उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे आपका रूस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे कांगो गणराज्य, जाम्बिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में तांबे की काफी प्रसिद्ध जो है, मतलब तांबे के पठार है यहाँ पे, जिसे कटंगा पठार कहा जाता है। तो कटंगा जो पठार है ये तांबा उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल है जिसे इंग्लिश में डेजर्ट या फिर हिंदी में रेगिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग ही क्या है, मरुस्थलीय है, और खेती यहाँ पे केवल 10% है। तो फिर भी अगर जो प्रमुख मरुस्थल की हम बात करेंगे तो पहला जो है यहाँ इस वाले भाग में सहारा, और दूसरा जो है ये है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल में विभिन्न जनजाति भी निवास करती है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अफ्रीका का क्या है, मानव की उत्पत्ति भी इसी महाद्वीप पर हुई थी, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आया है। अब अफ्रीका महाद्वीप में एक विशेषता और है जो विश्व में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक घटना पैदा करती है ये कि ऊपर यहाँ पे मृत सागर है, ये जॉर्डन इजराइल की सीमा के पास एक सागर है जिसे बोलते हैं मृत सागर। तो मृत सागर से लेके यानी कि ऊपर मृत सागर से लेके भूमध्य सागर भी इसमें शामिल है, यहाँ ऐसे नीचे और इधर जाम्बिया मोजाम्बिक तक, यानी कि हमें यहां से लेके जो है इस तरीके से एस यहाँ पे एक घाटी है जिसे बोलते हैं रिफ्ट घाटी। अब रिफ्ट घाटी क्या होती है, रिफ्ट घाटी का एक डायग्राम मैं आपको बाद में बना के समझाऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। तो रिफ्ट घाटी होती क्या है, बस आप ऐसा समझिए कि अगर कोई समतल भूमि है और समतल भूमि का कोई भाग अगर नीचे धंस जाता है तो साइड वाला भाग ही खड़े हो जाते हैं, और ऐसी जो घाटी होती है इन्हें रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है, और इन रिफ्ट ये जो रिफ्ट घाटी है इन रिफ्ट घाटियों में पानी भर जाने के कारण विश्व की प्रमुख झील भी यहीं पे है। ठीक है, जैसे क्या है, एक विक्टोरिया झील है, आपने सुना होगा कि नील नदी जो है अफ्रीका में है, और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम भी है। हालांकि नील नदी दो शाखाओं में निकलती है, नीली नील और सफेद नील। तो कैसे निकलती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल जो है आप ये याद रखेंगे कि अफ्रीका की सबसे प्रमुख विशेषता या अफ्रीका की सबसे आश्चर्यजनक जो स्थिति है वो है यहाँ पे पाई जाने वाली रिफ्ट वैली, जो संसार की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा स्थान है ये तंजानिया और केनिया वाला जो भाग है यहाँ पे है, यानी कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तंजानिया और केनिया वाले भाग में है। अफ्रीका में पर्वत की मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है यहाँ ड्रांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है कहीं कहीं लिखा हुआ है ड्रांकिसबर्ग और कहीं कहीं ड्रांसबर्ग। तो पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ नीचे लिखी उसमें टेलीग्राम पे है, वहां पे आप एग्जैक्ट वर्ड जो है एग्जाम में जो आया है वो उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ड्रांकिसबर्ग या ड्रांसबर्ग पर्वत ये अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका देश में है। इसी प्रकार यहाँ पे अल्जीरिया, मोरक्को और टूनेशिया में एक पर्वत है एटलस, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था।
ठीक है। तो यहां जो भाग है ये वाला भाग ही तंजानिया और केनिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यही है। अगर बात करेंगे यहाँ की जलवायु की, तो जलवायु में देखिए ये जो ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ जैसे तंजानिया केनिया इन भागों में ठीक ठाक बारिश होती है। इसके अलावा ये जो भाग है ये वाला गिनी तट के आसपास जो भी देश हैं इनमें भी ठीक ठाक बारिश होती है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा बारिश जो है गिनी तट के आसपास ही होती है। अगर हम बात करेंगे कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ है तो गिनी तट के आसपास जो देश हैं यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया कि किस देश की उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है। क्वेश्चन है कि किस देश की उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है। तो हमारा ये देश है चाड ऐसा देश है जिसकी उत्तरी सीमा कौन सा कर्क रेखा बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा चाड होगा। इसके बाद क्वेश्चन आया कि एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में किन देशों में है। अभी मैंने आपको बताया एटलस पर्वत मोरक्को अल्जीरिया और टूनिशिया में है। और दोबारा फिर से सुनिए ये एक मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है मोड़दार पर्वत। इसके बाद एक क्वेश्चन आया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो मैं भी आपको बता रहा था कि अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला भाग सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है क्लीमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम आया है कि क्लीमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है। तो क्लीमंजारो पर्वत जो है ये कहां पे है ये तंजानिया और केनिया की जो है ये सीमा पे है। तंजानिया और केनिया की ये सीमा पे है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 5,895 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 5,895 मीटर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन एग्जाम आया है ये क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहां से निकलती है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील यहाँ इस साइड में यहाँ पे विक्टोरिया झील है और ये विक्टोरिया झील से निकल के इस तरीके से सूडान होकर मिस्र में भूमध्य सागर में निकलती है। हालांकि नील जो है इसका डायग्राम मैं आपको अलग बना के समझाऊंगा क्योंकि यहां से डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नील दो शाखाओं में किस तरीके से निकलते हैं। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है बस उसका आंसर आप सुन लीजिए। इसके बाद आया देखिए विश्व के कितने प्रतिशत जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पे 28 से 30% जो है जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कौन से महाद्वीप में है अफ्रीका में है। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है मापुतो की खाड़ी कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मापुतो की जो खाड़ी है ये क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा से सुनिए एक मिनट। हाँ मापुतो की खाड़ी कहाँ पे है। तो मापुतो की खाड़ी जो ये मोजाम्बिक क्षेत्र जो है ये मोजाम्बिक इस मोजाम्बिक क्षेत्र में मापुतो की खाड़ी है। तो मापुतो की खाड़ी कहां पे है मोजाम्बिक क्षेत्र में है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन है आपका संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र। अब दलदल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्सीलैंड। तो संसार की सबसे बड़ी दलदल जो है ये कहां पे है ये है सूडान में। संसार की सबसे बड़ी जो दलदल है ये सूडान में है और इसे सुड बोला जाता है। देखिए पहले क्या था सूडान जो है पहले एक देश था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे 2005 और 6 के बाद क्या हुआ यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हुए क्योंकि इस देश में एक भाग में मुस्लिम और एक भाग में आपका ईसाई निवास करते हैं। तो इन दोनों देश में जो है क्या हुआ सॉरी इस देश में क्या हुआ सांप्रदायिक दंगे हुए और बाद में यह तय हुआ कि दोनों देश क्या होंगे मुस्लिम और ईसाई धर्म के आधार पर अलग होंगे। तो दक्षिणी जो सूडान है ये दक्षिणी सूडान 193वां देश बना था ये आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश जो बना है वो दक्षिणी सूडान ही था ये एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अगला जो आया है अफ्रीका की सबसे बड़ी
नाव गम्य नदी कौन सी है, यानी कि देखिए यहाँ पर नदी बहुत है लेकिन अफ्रीका का अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ की नदियों में नाव चलाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अफ्रीका की एक नदी है जिसमें नाव चलाई जाती है। तो क्वेश्चन फिर सुनिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी नावीय नदी कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नावीय नदी है कांगो। कांगो को जायर नदी के नाम से भी जाना जाता है, कांगो या फिर जायरे, नाम दोनों का एक ही है, कांगो या फिर जायरे जो नदी है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नावगम्य नदी है। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी यही है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अपवाह क्षेत्र के आधार पर देखिए, लंबाई में तो सबसे बड़ी नील है, चौड़ाई में सबसे बड़ी अमेजन है, अमेजन आपका दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन चौड़ाई में दूसरे नंबर पर यही नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदियों में है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी डेविड लिविंगस्टोन, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आज भी, ये डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा इस महाद्वीप की खोज की गई थी। इसके बाद आया सहारा मरुस्थल के मध्य में कौन सी झील है, देखिए पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, तो सहारा मरुस्थल हमारा ये लीबिया माली नाइजर चाड सूडान मिस्र इन देशों में हमारा यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल के बीच में एक देश है चाड, और यहाँ पे चाड देश में चाड नाम से ही एक झील है, तो सहारा मरुस्थल के मध्य में झील कौन सी है, ये है चाड झील। इसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो कांगो नदी, ये देखिए यहाँ पे ये कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दो राष्ट्र हैं, मतलब दो देश हैं, और इन्हीं में एक नदी है यहाँ पे कांगो नदी, जिसे मैंने अभी आपको बताया कांगो और जायरे, ये ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को या फिर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, इसे दो बार काटती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में है, एक अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस देश के किसानों को फैलाह कहा जाता है, किस देश के किसानों को क्या बोलता है फैलाह। अब वैसे तो क्या है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो खेती की अगर बात मैं करूं तो सबसे ज्यादा खेती नील नदी घाटी के आसपास होती है, और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, तो मिस्र में जो किसान है, मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है फलाह या फिर फैलाह। तो ये लिखा हुआ है ये मिस्र के किसानों को कहा जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिकंदरिया किस देश का प्रमुख बंदरगाह है, देखिए सिकंदरिया जो नगर है ये अलेक्जेंडर यानी कि जिसे हम सिकंदर महान बोलते हैं इतिहास में उसके नाम पे है, और ये जो नगर है ये है आपका मिस्र में, तो ये है हमारा मिस्र, और मिस्र के इसी भाग में क्या है एक बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब पोर्ट जहाँ पे पानी के जहाज खड़े होते हैं। तो सिकंदरिया जो नगर है, ये क्वेश्चन पूछा, दोबारा से फिर सुनिए, क्वेश्चन इसने पूछा है कि सिकंदरिया जो बंदरगाह है कहाँ पे है, तो ये है आपका मिस्र में। इसके बाद क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिप किस देश का दक्षिणी छोर है, देखिए उत्तम आशा अंतरिप को इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ये है केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तमाशा अंतरिप भी कहा जाता है। अब ये इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, ये चलिए मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि भारत की जैसे ही खोज शुरू हुई, अब भारत वैसे खो तो नहीं गया था, लेकिन हुआ ये कि जब मध्य काल में क्या हुआ, जब तुर्की का मध्य मतलब तुर्की जो गणराज्य है, तुर्की देश का मतलब तो तुर्की देश का क्या होता है मध्य एशिया पर कब्जा हो जाता है, और यूरोप का भारत आने का जो मार्ग है वो तुर्की बंद कर देता है, तो यूरोपियन एक नए मार्ग की खोज करते हैं, और इन्हीं मार्गों की खोज में सबसे पहले कोलंबस ने भारत आने का प्रयास किया, और फिर आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन वास्को डी गामा आने से पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है
बोर्थोलोम्यू डियाज, बोर्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो अगर क्वेश्चन आता कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, तो बोर्थोलोम्यू डियाज ने, और ये है कहां, ये है कहां, तो ये स्थान कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे अंतिम बिंदु है, और इसे केप ऑफ गुड होप इस वजह से कहा गया था, कारण ये था कि जैसे ही देखिए इस साइड से जैसे जहाज यहां से होकर गुजरते थे तो यहां आके ये तूफानों में लग जाते थे। अब तूफानों में लग जाने के कारण बहुत से जो यात्री हैं उनकी यहां पे मृत्यु होगी, और इसका नाम रखा गया था केप ऑफ सॉरी केप ऑफ स्टॉर्म, यानी कि तूफानी अंतरी। लेकिन जैसे ही बोर्थोलोम्यू डियाज ने इस स्थान को पार किया तो लोगों के मन में एक आशा की नई किरण जगी, और आशा की नई किरण जगने के बाद पुर्तगाली जो राजा है या पुर्तगाली जो सम्राट है जॉन द्वितीय, तो पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय के द्वारा इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको इतिहास इसका बता दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ऑरेंज नदी ड्रांकेसबर्ग पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका में है यहां से निकलती है, और ये दक्षिण अफ्रीका में बहती हुई इस साइड से यहां इधर आपका सागर में जाके समा जाती है। तो ऑरेंज नदी हमारी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो आज का जो सेशन है ये यही समाप्त होता है। अगले सेशन के माध्यम से मैं जो और बचा हुआ को अभी पॉइंट रहा है वो आपको कराऊंगा। तो धन्यवाद।